हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स इजी। मैं हूं परुल और आप हैं मैथ्स इजी में। मैथ्स इजी, जी हां मैथ्स इजी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रेलवे एमटीपीसी एसएससी एसआई इन एग्ज़ाम्स के लिए हमने जो न्यू सीरीज स्टार्ट की है उसका आज सेकेंड डे है और हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सर्ट्स और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्ट्स लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस और उसके ट्रिक। ये क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं इसे आप कंसेप्शुअल वे से भी मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद इन क्वेश्चन को करने के ट्रिकी अप्रोच जिससे आप कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इसमें सम होता है, कई क्वेश्चन में 100 टर्म का सम होता है, किसी में 25 टर्म्स का सम होता है, किसी क्वेश्चन में 7-8 टर्म्स का ही सम होता है और किसी किसी क्वेश्चन में तो 100 और 200 टर्म्स को ऐड करके भी दिया होता है। तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो ये बेसिकली सर्ट्स यानी रेशनलाइजेशन कंसेप्ट पे बेस होता है। रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देखेंगे इसका सोल्यूशन कि इन केस आप ट्रिक भूल गए तो कम से कम उसको वो क्वेश्चन छूटे ना, आप क्वेश्चन कर तो लो। तो बेसिकली इसे अगर हम नॉर्मल मेथड से करते हैं कंसेप्ट से तो वो हम कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। चलिए इसके ट्रिक की बात कर लेते हैं क्योंकि इनके लिए डायरेक्ट ट्रिक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें ट्रिक कंसेप्ट के साथ है बहुत कुछ। तो जो पेपर डिज़ाइन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के वो एक स्पेशल पैटर्न में ही होते हैं, कोई भी 100 टर्म को ऐड नहीं कर सकता है। तो वो एक पैटर्न को फॉलो करता है और हमें उस पैटर्न को पहचानना होता है। चलिए टाइम ना गंवाते हुए इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ 3 क्वेश्चन सेम पैटर्न के लिए हैं। सबसे पहली बात कि ऐसे क्वेश्चंस में, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया है कि जो क्वेश्चन है √25 + √26 + √26 + √27 + √28 कहाँ तक ये जा रहा है, 49 तक जा रहा है, √49। सारे टर्म प्लस में है, बीच में भी प्लस में लगा है, बोल रहा है कि फाइंड इट्स वैल्यू, आपके पास बहुत कम टाइम है। तो क्या आप इसका आंसर, तो ट्रिक के हिसाब से अगर आपसे इसका आंसर है 2, इसका आंसर है 2, आपने देख के ही पता लगा लिया। इसी तरह से इसका आंसर है 3 - √3। ये अच्छा यहाँ पे मैंने ऑप्शन में लिखा है तो दिस इज द करेक्ट आंसर। जबकि इस क्वेश्चन में इसका आंसर है 11, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देख के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं मेंटली, चलिए समझते हैं। आपको इसकी ट्रिक बताऊं तो क्या होता है कि देखिए इसमें क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं। पहले में नीचे भी सब टर्म्स में प्लस रहेगा और बीच में भी 2 टर्म्स के बीच में भी प्लस लगा रहेगा। अगर ऐसा केस है, और हमेशा ऐसे क्वेश्चन में आप क्या देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसमें जो टर्म्स हैं वो सक्सेसिव हैं, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, हमेशा ऐसा ही होगा। जैसे मैंने अभी पैटर्न की बात की थी कि भाई स्पेशल पैटर्न में ही होने चाहिए, तो वो स्पेशल पैटर्न में ही होगा, अदरवाइज वो पैटर्न में नहीं है तो 100 टर्म को कोई नहीं ऐड कर सकता इतने से टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसा कुछ केस है कि प्लस हो तो इसमें सीधे सीधे आपका जो आंसर होता है ना बच्चों, वो होता है कि लास्ट टर्म जो भी सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ा टर्म √9 है तो √9 माइनस, और सबसे छोटा टर्म आपको क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है, तो √9 इज 3, 3 - √3 आंसर है। ऐसा तब होगा जब बीच में भी प्लस हो और यहाँ पे भी प्लस प्लस ही हो, ठीक है, ऐसा तब होगा। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे केस में। अगर आप लोग देख रहे हो कि ये जो टर्म्स हैं नीचे माइनस 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 माइनस, सब जगह माइनस है, अगर सब जगह माइनस है तो डेफिनेटली जो टर्म्स है ना न्यूमरेटर में वो अल्टरनेट ही होंगे, प्लस माइनस क्यों, ये रीज़न मैं अभी एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, पैटर्न ऐसा क्यों बनाया गया है। या तो सारे टर्म प्लस में रहेंगे या फिर अगर नीचे माइनस में है तो अल्टरनेट ही होंगे, ऐसा पैटर्न होता है हमेशा, ठीक। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सबसे बड़ा टर्म, सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली √100 है, प्लस सबसे छोटा यानी कि 10 + 1 यानी कि 11, इसका आंसर 11 है, ऑप्शन है, खटाक से निकाल के रख दिए,
ठीक, तो ये ऐसे क्वेश्चंस को करना है, क्यों ऐड कर सकता। तो देखिए अभी हम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वाला पैटर्न सम प्लस प्लस में है, तो सबसे बड़ा कौन है, रूट 49 है। इसका आंसर होगा रूट 49 माइनस रूट 25 यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि 2 आंसर। खटाक से लगा दिया आंसर। तो इस तरह से कि जो भी इसका ऑप्शन है 2 आंसर है। तो इस तरह से हम इस पहले पैटर्न को कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। अगर हम इन केस हमको फॉर्मूला भूल गया, ट्रिक भूल गई, तो कैसे करेंगे हम, होता क्या है इसमें। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल मेथड यानी नॉर्मल मेथड से यूजली जैसे हम लोग करते हैं वैसे उसकी बात करें, हम दो तीन टर्म होंगे तो आप लोग ऐसे ही करना। तो देखिए हम इसको समझाने के लिए हम यहाँ से समझाते हैं कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चन में देखें कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले टर्म में प्राइम नंबर जगह हो, तो प्राइम नंबर रूट के अंदर जब होता है तो वो इरेशनल बन जाता है। ठीक, हमारे नंबर सिस्टम में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उनमें से एक है कि कभी भी रूट टू जैसे टर्म को डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर है तो कुछ ऐसा करना है कुछ कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, और भले ही नीचे से हट के ऊपर आ जाए तो चलेगा। ठीक, ये एक दिस इज़ वन ऑफ द रूल, इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए क्लास 9th में आपको रेशनलाइजेशन टॉपिक पढ़ाया गया था, आपको बहुत से क्वेश्चन कन्वर्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या इसको सॉल्व करिए या सिंप्लीफाई किए, जो उनका ये कहना था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो रेशनलाइजेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, आप इसमें आंसर नहीं दे सकते। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए करते क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम एक प्रोसेस का यूज़ करते हैं मैथमेटिकली, जिसे रेशनलाइजेशन या हिंदी में परिमेयकरण कहा जाता है। उस प्रोसेस में आपको इसका अपोजिट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर किसी टर्म में हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसी से डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस रेशनलाइजेशन में यही किया जाता है। यानी कि अगर मैं इसमें रेशनलाइज करूँ तो मैं क्या करूँगी, रूट थ्री माइनस रूट टू के अपोजिट यानी रूट थ्री प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगी। हर में यही होने वाला है। ठीक, तो अब नीचे क्या होता है, अब चूंकि ये लोग सक्सेसिव हैं तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है ऊपर ये हो जाएगा, यानी कि रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री माइनस टू नीचे वन बच गया, और ऊपर जो है इसका तो इसका यहाँ पे आ गया कॉन्जुगेट यानी अपोजिट, वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू का कॉन्जुगेट यानी कि अपोजिट ये होता है। तो अगर ये बात है तो अब एक चीज़ हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि वन अपॉन रूट थ्री माइनस रूट टू का जो रेशनलाइज करने पे आएगा क्या, ये आएगा। ठीक, तो अगर हम वही प्रोसेस इसमें लगाएं तो इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 25 माइनस रूट 26 से, फिर रूट 26 माइनस रूट 27 से करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो सब में करने के बाद क्या बचेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप मुझे बताइए, 26 माइनस 25 में हो जाएगा। देखिए ये कन्वर्ट हुआ था इसमें, प्लस की जगह माइनस आया, तो ये हो जाएगा रूट 26 माइनस रूट 25 इसके पास बचेगा रेशनलाइजेशन के बाद। फिर इसके पास कौन बचेगा, मतलब देखिए एक बार और समझाती हूँ, रूट थ्री माइनस रूट टू था तो क्या आया, रूट थ्री प्लस रूट टू, यानी अगर यहाँ माइनस है तो प्लस आता है, प्लस है तो माइनस आता है, यही इसका पैटर्न होता यही है। ठीक, तो अगर मैं इसको रेशनलाइज करती हूँ तो बेसिकली मैं कर ये रही हूँ कि ये था और हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे किया, रूट 26 माइनस रूट 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यही रेशनलाइजेशन है। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये लोग तो a माइनस बी एंड a प्लस बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 26 माइनस 25 यानी 1 बचा। तो मैं वही चीज़ नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं कि ये आएगा इसमें क्या आएगा, इसमें आप बताइए मुझे 27 माइनस 26 आएगा ऊपर, सेम ऐसे उसी एक्सप्लेनेशन से जो मैंने अभी दिया था, और इसी तरह से होता जाएगा, और लास्ट वाले में क्या होगा, 49 माइनस 48 बचेगा, और नीचे वाले तो सब वन हो चुके हैं तो उन्हें लिखने का क्या ज़रूरत है, ठीक है, टाइम बचाते हैं।
और अब हम क्या देख रहे हैं, चूंकि ये प्लस में रहेगा पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पे देखिए प्लस 26 रूट 26 ये कैंसिल हो गया, 27 इधर पे कहीं नेक्स्ट 27 आ रहा होगा वो कैंसिल, इसके पहले और 48 आ रहा होगा, तो ये इस तरह से सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ दो बचेंगे। कौन बचेगा? एक रूट 49 जो सबसे बड़ा है वो बच जाएगा और सबसे छोटा वाला बच जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 49, यानी सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, तो यानी कि 7 माइनस 5 यानी कि 2, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रिक यही है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस है रैशनलाइजेशन की, इसके बाद हमेशा यही होता है, लेकिन वो पैटर्न में होना चाहिए। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में, देखने में लगता है कितना मुश्किल होगा, लेकिन ये है बच्चों का खेल। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इन्हें। सिर्फ जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, उसमें मैंने डिटेल में समझाया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है कोई बात नहीं, आप लोग ये देख लीजिए, ये जो है मेन जो है ये है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का कंसेप्ट, ये है अगर एक पावर है उसके ऊपर दूसरी पावर है तो होता क्या है कि आपस में दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मेन बात ये है, यहाँ पे मैंने दो पावर के बारे में बताया है, तीन हो चार हो कितनी भी पावर्स हो वो सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक। और दूसरा कंसेप्ट होता है कि भाई रूट का मतलब क्या होता है, रूट एक्स इज एक्स टू द पावर हाफ, रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर पर रूट लगाए तो उसकी पावर हाफ उसका मतलब होता है, क्यूब रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/3, और इसी तरह से ये सब चलता रहता है। एंड वी कैन से दैट nth रूट इज नथिंग बट a टू द पावर 1/n, कोई भी पावर हो उसे आप समझ सकते हो वैसे, ठीक। तो ये मेन ये सब रूल्स लगते हैं इन क्वेश्चंस में, देखिए लगता है बहुत लेकिन कुछ सेकंड में ही आप लोग कर लोगे फटाफट अगर ये रूल्स का हम लोग यूज़ करें तो। तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम लोग लगाएं इससे क्वेश्चन को, सबसे पहले मैं ये वाला बता देती हूँ, देखिए अगर अपन लोग ये पढ़े तो बेसिक साधारण सा जो रूल है इसका कि टू के ऊपर, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो टू के ऊपर रूट मतलब हाफ, तो एक हाफ हो गया इसके ऊपर, फिर दूसरा रूट है तो दूसरा हाफ, ठीक है, फिर एक दो हो गए, फिर तीसरा रूट तो तीसरा हाफ, फिर चार रूट है ना टोटल, तो चौथा हाफ, 1 2 3 4 चार है, ठीक है। और उसके बाद सबके ऊपर पावर लगी है 48, ये लोग हमेशा गेम खेलेंगे, अगर 48 है ना तो ज़रूर इन लोग का मल्टीप्लाई कोई इवन नंबर ही होगा ताकि ये सब कटवट जाए और सिंपल सा आंसर आ जाए, ठीक। सिर्फ ये दिखावा है सब, इतना खतरनाक ऐसा कुछ है नहीं, ये बहुत आसान है। तो अब देखिए होता क्या है कि बेस टू, आप देखिए सारी पावर जो मैंने अभी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बताया था उसे आप इस सारी पावर्स को आपको बस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। एक पावर अगर m है दूसरी पावर n है तो होता क्या है कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो रूल दो के लिए सही है वो तीन पावर्स के लिए भी सही है, चार के लिए भी सही है, ऐसा लिखा नहीं है कहीं, लेकिन वो उसका कहने का मतलब ये है कि जब दो पावर हो तो दो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो तीन हो चार हो पाँच हो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। तो देखिए हमें कुल मिला के इन सब को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 4 2 8 2 16, तो ये आ गया 1/16, ठीक है। मतलब ये सब 1/2 को अगर एक्सप्लेन करें तो 1/2 × 1/2 × 1/2 ऐसे लिखेंगे तो यही तो आएगा, है ना। और ये इसका क्या होगा, अभी इस 48 का एक और डाउट है, तो इसमें अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको बताते हैं आपको, पहले आप ऐसे ही लिख लो उसको, उसके बाद फिर वही रूल लगाओ कि भाई ये m पावर है ये n पावर है, तो रूल कहता है कि दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 2 to the power 48/16, और यानी कि 2 की पावर 48/16 इज नथिंग बट 3, तो ये 2³ यानी 8 आंसर हो जाएगा। यानी ऐसा क्वेश्चन दिख रहा था खतरनाक टाइप का, लेकिन देखिए 8। और जब हम समझ गए, हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे पेन चलेगी कि रुकेगी नहीं जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कुछ सेकेंड लगेंगे, तो ऐसा प्रैक्टिस होगा। इसके लिए मैं ऐसे कोई ट्रिक नहीं बता सकती, ट्रिक वही नहीं वही रूल ही इसकी ट्रिक है, ठीक है। प्रैक्टिस करिए तो फटाफट ये चीज़ें होती जाएंगी, बहुत कॉन्फिडेंस आता है इन चीज़ों से, जैसे जैसे हम बनने लगता है ना इतना कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब हम कर पाएंगे ऐसा, और उस पॉजिटिवनेस से उस कॉन्फिडेंस से ही तो क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, खूब परेशान किया था इस क्वेश्चन ने,
अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसका मतलब एक बार और बता देती हूँ, इसका मतलब है 3 की पावर, क्यूब रूट है ये 3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, दिस इज क्यूब रूट, यानी इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1/3 की पावर 1/3। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि सब कुछ है ही नहीं, भूल जाओ सब, सिर्फ इतना देखो, इसका मतलब 3 की पावर 1/3। तो सबसे पहले हमने 3 के ऊपर 1/3 लगाया, तो ये तो निपट गया, ये इसका हो गया, लेकिन इसके ऊपर एक और क्यूब रूट है, तो फिर से 1/3, फिर एक ब्रैकेट लगा लेंगे, और उसके बाद 2 यूज़ हो गया, अब ये तीसरा भी है, तो फिर से 1/3। ठीक है, फिर ये तो ये 3 यूज़ हो गए, ये हो गया 3 रूट्स हमने यूज़ कर लिया है, उसके बाद एक और है ये वाला, ये जो दिख रहा है ना, तो ये हो गया 1/3 एक और। ठीक है, तो 4 3 थे, समझ में आ गए, लेकिन ऊपर आप लोग क्या देख रहे हैं कि एक रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब तो हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 के बाद 81, तो ये 81 पावर जो है उसे अपन लोग ऐसे लिख लेते हैं 81। ठीक है, अब सारी पावर 3 की मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 81 होता है, तो 1/81, लेकिन ये 2 81 into 2, ये एक्चुअली इसमें मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वो कटेगा नहीं, तो हमने ये कर दिया। अब 81 जब, क्योंकि अब इन दोनों पावर भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 81 upon 81 into 2, अब ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 की पावर हाफ, यानी कि √3 आंसर आ गया इसका, समझ में आया, ये कैंसिल, 1/2 बच गया, तो 3 की पावर 1/2 यानी √3 इसका आंसर हो गया, इसका आंसर, ये बाहर वाला रूट ना होता ना तो सीधे सीधे 3 ही आंसर आ जाता, लेकिन एक और रूट दिया था इन लोगों ने, तो इसलिए इससे, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था ये पार्ट 2, और अगले पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसी तरह के ट्रिक्स टेक्निक्स और डिटेल कंसेप्ट लेके हम आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।